चैनल में देखेंगे आज की हेडलाइन। खेतों के रास्ते पर दबंगों ने किया अतिक्रमण, भूगर्भ शास्त्र विभाग द्वारा दो दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। जतारा के मेदवारा ग्राम में दबंगों ने खेत पर जाने वाली रास्ता को रोक कर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए करीब आधा सैकड़ा ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम सौरभ संजय को अतिक्रमण हटाए जाने और रास्ता खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि खेत पर जाने वाली रास्ता में ग्राम के ही प्रभु दयाल एवं मनीराम किशन बाबू बंसकार ने जबरन अतिक्रमण कर दीवार खड़ी की जा रही है। रोके जाने पर यह लोग लड़ने को तैयार हैं और गाली गलौज करने के साथ ही झूठी केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। समस्या ये है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है, तो यहाँ पर जाकर जहाँ जहाँ सुरक्षित सीटें हुई हैं वहाँ पर एक तरीके का वातावरण फैलाया जा रहा है। उस वातावरण से हमें कोई मतलब नहीं। हम सरहारा जात के लोगों की बात करते हैं, जबकि हमारी जमीन है 2348 खसरा नंबर, उसके पीछे है 2347 और 2346। तो ये सरकारी जमीन यहाँ पर लगी हुई है, तो सरकारी जमीन से निकासी के लिए सुखाचारी की भी एक धारा होती है। उस धारा के अंतर्गत हर किसी को व्यक्ति को अगर आपकी पटेती भी जमीन है तो जनहित में यदि उस व्यक्ति को निकलने के लिए जगह चाहिए तो हमने अपनी जमीन में से 500 साल से निकलने दे रहे हैं अपने खसरा नंबर 348। और किसी को हमने आज तक मना नहीं किया। और बाकी अहरवाल समाज के लोग और बराल समाज के लोग ये जा कर के कहते हैं कि नहीं हम नहीं निकलने देंगे, ये तो हमारी जमीन पे कब्जा है, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, दीवार उठा दी, मकान बनाने लगे और लाखों की बेचने लगे है, जबकि कोई पट्टा नहीं है। बेच भी रहे कब्जा की फोटो है आपके पास स्थानीय किन लोगों ने जमीन पे अतिक्रमण किया है? वो बरार और अहरवाल समाज के लोग। तो वो सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन है, वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ पर जिस किसान है वहाँ पर 500 परिवार है वहाँ पर, तो जाने के लिए रास्ता कहाँ के लिए है? ये तो फसलों के लिए हम अपने खसरा नंबर की पटेती जमीन से निकलने दे रहे हैं इनको। मैंने जाना कहाँ है रास्ता जो निकली है आगे वाले खेतों पे, आपके खेतों पे वहाँ निकलने नहीं देते? नहीं निकलने देते। एसडीएम साहब ने कहा, एसडीएम साहब ने जो कहा कि 115 की कार्रवाई कराओ, हम कार्रवाई कराएंगे उनके मकानों में बने हुए ये हमें आश्वासन दिया है। और वहाँ पर भगवान के पूरे वहाँ पर जो है अपने एसआई है, तो वो जाकर के सुनते कुछ नहीं, बोले डायरेक्ट हरिजन लगा देते। शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर के भूगर्भ शास्त्र विभाग द्वारा बौद्धिक प्रकोष्ठ के अंतर्गत दो दिवसीय व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के भूविज्ञान विभाग के मुख्य वार्ता के रूप में शामिल डॉक्टर एमएम सिंह ने एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जूलॉजी विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन तकनीक को समझाती हुई उससे बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली से भी रूबरू करवाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र ग्रेनाइट अग्नेय सेल से बना हुआ है, जिसमें सघनता होने से पानी के मौजूद होने की संभावना कम होती है, लेकिन इस क्षेत्र में उपस्थित ग्रेनाइट सेल का भ्रंश दरारे और संधि उपस्थित होने के कारण सीमित पानी मौजूद है, इसीलिए बुंदेलखंड में जल के लगातार अंधाधुंध उपयोग से जल संकट गहराने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर आने की बात जो लाइट एनर्जी है वो एनर्जी वापस आना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड पैन पर। आपकी विंडो पैन है ना, इसने ढक के रखा हुआ है, इसकी वजह से फिर से रिफ्लेक्टेड पैक वापस किया, तो वही एनर्जी वही अंदर घूम रहा होता है। एंड दिस वाई इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसी की वजह से हम लोग को ज्यादा एंड एसोसिएटेड विद वेजिटेशन। ये जब तक समझ में नहीं आएगा आपको जियोलॉजी का इंटरप्रिटेशन रिमोट सेंसिंग में नहीं कर सकते। इन सच अ वे इन द बॉडी आल्सो सेम थिंग इज हियर। जब तक आपको ये कंपाउंड लिप है, सिंपल लिप है, डाइकोट मोनोकोट ये सब जो है जब तक जानकारी नहीं होंगे तो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, है ना? तो क्लासिफिकेशन कर लेंगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको इसकी फिजिकल मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी समझने की बात ही हम लोग बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी की हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, बेसिक आइडिया होना जरूरी है। जियोलॉजी में भी वही जो अभी हम रिपीट कर रहा हूँ, जियोलॉजी सब्जेक्ट को आप डिटेल्स में समझ में आना चाहिए। जियोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फॉर एग्जाम्पल वाई इट इज सो,
बुंदेलखंड की हम बात करते हैं, बुंदेलखंड की इज ए हार्ड रॉक टेरेन। हम लोग सब समझते हैं हार्ड रॉक टेरेन का मतलब क्या हुआ, हार्ड एंड कम्पैक्ट ठोस है, तो इसमें पानी नहीं लेना चाहिए। फिर भी हम लोग पानी मिलता है जमीन से, जमीन के अंदर से पानी हम लोग निकालते हैं। व्हाई इट इज सो, पानी कहां से मिला, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर्स जॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। इसी ग्राउंड में आपके जॉइंट्स फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर जॉइंट्स क्या है, नथिंग बट द गैप, वही टूटा है, हड्डी टूटा है तो गैप होगा ना, यही जमीन के अंदर जो